तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। तो दोस्तों, क्या लगता है कि सुपरहिट फिल्म दिलजले की कास्टिंग अब जैसी है वैसे ही मेकर्स ने पहली बार सोचा था? क्या फिल्म के एक्टर्स मेकर्स की पहली चॉइस थे? जानने के लिए देखिए इस पूरी वीडियो को, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मध्यम वर्ग परिवार के कई नौजवान घर से निकलते हैं। बहुत कम लोग इस सपनों की नगरी में कुछ बन पाते हैं और उससे भी कम लोग वहाँ टिक पाते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि इतनी खतरनाक, अनिश्चित और असंगत प्रोफेशन में कोई भी कलाकार, अभिनेता हो या गायक, आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। और अक्सर हम जो फिल्म में देखते हैं, उस फिल्म की पहली कास्टिंग वो नहीं होती जो हम आखिर में देखते हैं। जैसे दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर का रोल उस दौर की सारी हीरोइंस को ऑफर किया गया था, मगर सबने माधुरी के साथ स्क्रीन प्रेजेंस में काम करने से मना कर दिया था। मगर बाद में करिश्मा को इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था और माधुरी का रोल भी पहले श्रीदेवी को मिला था। फिल्म कुछ कुछ होता है में भी रानी का रोल करीब 10 हीरोइंस को ऑफर हुआ था। खैर, वो तो एकदम अलग कहानी है। तो 90s में हीरोइंस को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता था। हालांकि ये गलत बात है कि अक्सर फिल्म के हीरोज भी हीरोइंस को बदल देते थे, मगर ये था 90s का सच। फिल्म दिलजले में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई थी। इस फिल्म की ओरिजिनल कास्टिंग में कोई भी एक्टर फाइनल फिल्म में नजर नहीं आए थे। आपको पहले ही बता दें कि अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म की कास्टिंग में हीरो का कोई हाथ नहीं था। फिल्म के हीरो का रोल ऑफर हुआ तब के एक्शन स्टार खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार को, मगर ऑलरेडी इतने सारे शिफ्ट्स करने वाले अक्षय कुमार ने रोल को ठुकरा दिया था। तब अजय एक अपकमिंग स्टार थे अपनी फिल्मों दिलवाले और फूल और कांटा की वजह से, तो अजय ने इस फिल्म को साइन कर दिया। एक और सीक्रेट सुनेंगे आप, फिल्म दिलजले के साथ साथ अजय फूल और कांटे का रिमेक भी बनाना चाहते हैं। उस फिल्म की हीरोइंस थी सोनाली बेंद्रे और मधु, मगर सोनाली बेंद्रे रोल राधिका पहले जूही चावला को ऑफर हुआ था। तब जूही चावला एक रिजेक्शन पे चलती थी। तब बॉलीवुड में श्रीदेवी और माधुरी के साथ जूही को त्रिदेविया माना जाता था और उस समय जूही ने कुछ ऐसे फिल्में रिजेक्ट की जिसने दूसरी हीरोइंस का करियर बना दिया था, जैसे कि फिल्म राजा हिंदुस्तानी और दिल तो पागल है। और दोनों फिल्मों ने करिश्मा कपूर को स्टार बना डाला। पीछे देखते हुए जूही अपने ऐसे फैसलों की वजह से अपने आप को पिग हेडेड बुलाती हैं। और फिल्म दिलजले ने भी डेब्यूटेंट सोनाली बेंद्रे को स्टेब्लिश कर दिया। फिल्म में अजय देवगन के टेररिस्ट ग्रुप में अमरीश पुरी थे, जिनको इस फिल्म के लिए बहुत तारीफ मिली, मगर ये रोल भी पहले रजा मुराद को मिला था। फिर फिल्म में आर्मी मेजर का रोल पहले मिलिंद गुनाजी को मिला था, जिन्होंने दाढ़ी काटने से मना करने की वजह से रोल को गवा दिया। फिर सुनील शेट्टी को ऑफर हुआ, मगर वो फिल्म बॉर्डर की शूट की वजह से ये फिल्म नहीं कर पाए। और आखिर में फिल्म परमीत सेठी को मिली। फिल्म के सदाबहार म्यूजिक अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL से रिलीज होने वाली थी, मगर कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कारण फिल्म की म्यूजिक टी सीरीज को मिल गई। ये थी उस समय के कुछ त्रिवेणियां। अगर आपको क्या लगता है इस बार फिल्म की कास्टिंग क्या होनी चाहिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।